हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित सैनी है और मैं श्री माधोपुर का रहने वाला हूँ। और मैं अभी JEE की एग्ज़ाम दिए मैंने और उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 99.41% आए हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पिताजी ग्राम सेवक है और मम्मी हाउसवाइफ है। मैं क्लास 8 तक तो वहाँ पे गांव में ही पढ़ाई की है। वहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी तो मैं 9th के अंदर यहाँ पे सिक्कर आ गया। वहाँ बाद में सिक्कर 9th से 12th तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की और फिर मेरे पेरेंट्स भी 11th 12th में यहाँ पे ही आ गए मेरे साथ। और अभी 12th में हूँ, JEE की सेकेंड अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा बचपन से इंजीनियर बनने का शौक था तो मैंने 11th से ही JEE की प्रिपरेशन शुरू कर दी और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था तो 11th 12th में JEE की अच्छी प्रिपरेशन की और 12th में JEE का एग्ज़ाम दिया। तो मेरी JEE प्रिपरेशन के अंदर मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था 11th में भी और 12th में भी, और 7:30 बजे तक पढ़ता था और फिर 7:30 से 9 बजे तक मैं तैयार व्यार हो जाता था। उसके बाद 9 से मैं 12 या 12:30 बजे तक पढ़ता था। डाउटनेट पे मैंने एक पेड कोर्स खरीदा था जो काफ़ी कम प्राइस में था, एकदम लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। और उस पर मैंने फिर टेस्ट सीरीज भी ली थी, उसके टेस्ट भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर। और अगर वो याद नहीं होते तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे याद नहीं होती थी तो उनके शॉर्ट नोट्स मतलब एक पेपर पर लिख लेता था और मैं दीवार पे चिपका लेता था ताकि मैं वो अच्छे से याद हो जाते, फिर उनको देखता रहता था बार बार तो ऐसे वो याद हो जाते थे। तो कभी कभी मेरे से ऐसे क्वेश्चंस डाउट आते थे, बहुत सारे डाउट आ जाते थे एक साथ ही, तो वो तभी क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि तुम कहाँ से करते हो, तो उन्होंने बताया कि एक ऐप है डाउटनेट और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो वहाँ पर ही देखते हैं। उस पर क्या होता है, फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है और बस क्रॉप करके सर्च कर लो, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ऐसे कई डाउट्स मैंने वहाँ से क्लियर किए। तो अभी आगे मेरा यही प्लान है कि अभी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करूँ, अच्छी परसेंटाइल लाऊँ इसमें और उसके बाद मैं एडवांस की तैयारी करूँ, एडवांस के अंदर अच्छी रैंक लाऊँ और अच्छी IIT के अंदर जाऊँ और उसमें CS ब्रांच लूँ और मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है और अपने देश की फिर सेवा करनी है। तो मेरी सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जर्नी के बीच में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी मम्मी भी मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पे मेरे साथ आ गई, यहाँ पे ही रहने लग गई हमारे साथ ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकूँ। और दूसरे नंबर पे मैं जिसको श्रेय देना चाहता हूँ वो है बालाजी महाराज, क्योंकि उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है। और उसके बाद में मेरे गुरुजनों का, मेरे टीचर्स का, सभी का, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की मेरे लिए। डाउटनेट का भी बड़ा योगदान है क्योंकि जब भी मेरे डाउट्स आते थे या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था क्लास में तो मैं यहाँ पर लाइव क्लास देख लेता था और डाउट्स की फ़ोटो खींच के वो सर्च कर लेता था। और ये कई कोर्सेज भी है जो काफ़ी अफोर्डेबल है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई गरीब हो कुछ भी हो सब अफोर्ड कर सकते हैं इसको। तो मैं सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि JEE ऐसे कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बस इसके लिए जो चाहिए वो है कि लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार पढ़ने से और डेली हार्डवर्क करने से और सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पढ़ नहीं सकते, आजकल तो इंटरनेट पे काफ़ी कोचिंग्स है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हर किसी के लिए अफोर्डेबल है आजकल एजुकेशन, तो कोई भी पढ़ सकता है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बस मेहनत करते रहिए और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी।